बहुत से विवाद में, चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ में कहो, चाहे ब्यूरोक्रेट कहो, चाहे वो टेक्नोक्रेट कहो, हर क्षेत्र में अरुणाचल बीकेवी की एलुमनी आज उभर के आ रहे हैं। इस बार हमारा सिजुसा आने का मेन मकसद तो हमारा कैबिनेट का शेड्यूल यहाँ पे रखा है, और कैबिनेट का भी जो शेड्यूल है वो एनवायरनमेंट का ऊपर में रखा है, क्योंकि अरुणाचल फॉरेस्ट कवरेज में काफ़ी रिच है, और जो ग्लोबल वार्मिंग का आज पूरा विश्व भर में जो चर्चा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के बारे में जो चर्चा हो रहा है, सो इन ऑर्डर टू एड्रेस ऑल दोज चैलेंजेस, अपना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस बार COP26 में भी एक कमिटमेंट भारत की ओर से दिया था वहाँ पे, तो उस कमिटमेंट को मीटअप करने के लिए अरुणाचल का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो उसके चलते हम लोग ने कल कैबिनेट में सिजुसा में पाकेट डिक्लेरेशन हम लोग ने अडॉप्ट किया है, और पाकेट डिक्लेरेशन ब्रॉडली हम लोगों का 75 गोल्स हम लोग ने सेट किया हुआ है बेस्ड ऑन 5 धारास, 5 प्रिंसिपल्स में हम लोग ने 75 गोल्स को सेट किया है। तो उसका जितने भी जो लाइन डिपार्टमेंट है उसका भी पूरा हम लोग ने रणनीति एक्शन प्लान्स हम लोग ने बना दिया है। एक्शन प्लान्स हम लोगों का लॉन्ग टर्म भी है और मिड टर्म भी है एंड शॉर्ट टर्म भी है। तो इन तीनों एक्शन प्लान्स को देखते हुए अरुणाचल का आने वाला जो बजट भी है अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करके, ताकि अरुणाचल प्रदेश अभी तक जो कार्बन सिंक में वी आर नंबर 1 इन द स्टेट, और नंबर 1 हमेशा बरकरार होना चाहिए, और इससे भी ज़्यादा हम लोगों का जो आज पूरे विश्व भर में जो पोल्यूशन को लेके जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो उसको हम लोग और भी कंट्रीब्यूट कैसे किया जाए। हमें पूरा उम्मीद है कि इस बकेट डिक्लेरेशन से अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट और अपना देश और पूरा दुनिया को इससे भरपूर फ़ायदा हो। जी सर, सर कामेंग नदी में जो मच्छियाँ मर रहा है उसका बारे में सर, अभी आज देखिए अभी नवंबर मिड हो गया है, और यहाँ सिजुसा में भी अभी काफ़ी गर्म है यहाँ पे, तो ये सब अभी ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हो गया है, क्योंकि मैं तवांग का रहने वाला हूँ और वहाँ में भी दिन में काफ़ी गर्म होता है, तो ये सब हम सब के लिए एक कंसर्न वाला एक बात है। अभी रिसेंट जो कमिंग रिवर में भी जो पानी गंदा होने के कारण से हमारा जो मेरीन लाइफ है जो वहाँ पे मच्छी वगैरह काफ़ी तादाद में मर गया है, तो उसको हम लोग ने साइंटिस्ट को बुलाया, और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी है NISAT उसको भी हम लोग ने उपयोग किया है। तो कल शाम को रिपोर्ट आ गया, कल शाम को रिपोर्ट जब चेक किया तो पता चला कि कमिंग रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होता है वहाँ में ग्लेशियर हुआ करता था, तो अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण से और कुछ अर्थक्वेक भी हुआ था, तो उसका कारण से वो ग्लेशियर जो पूरा नीचे नदी में गिर गया उसके कारण से पानी काफ़ी मड़ी हो गया, जिसका कारण से ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण से मेरीन लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट हो गया। तो ये पूरा ग्लोबल वार्मिंग का ही एक साइड इफेक्ट है। जी सर, थैंक यू सर।